हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कुल्हड़ पिज़्ज़ा। उसके लिए एक पैन में हम थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। हल्का गरम होने पर इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे और एक अनियन फाइनली चॉप डालकर इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे, और उसमें एक शिमला मिर्च फाइनली चॉप डालकर एक मिनट के लिए पकाकर अब हम इसमें कॉर्न्स डालेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंगली इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हो और क्वांटिटी भी जितनी आप चाहते हो उतनी ऐड कर सकते हो। दो मिनट के लिए हम इन्हें इसी तरह पहले कुक करेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब भी आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब हम इसमें टमाटो और पनीर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दो मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस 2 टीस्पून डालेंगे। और ये मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस ऐड की है, ये काफ़ी स्पाइसी होती है तो इसलिए मैंने ये 1 टीस्पून ही ऐड करी है। और इसमें मैंने मेयो ऐड करी, मैंने मिंट मेयो ऐड की है, आप प्लेन मेयो भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऑलिव्स और एलपिनोस ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। अगर हम अभी चीज़ ऐड करेंगे तो हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। अब हम एक तवा गरम करेंगे और उस पर हम अपने पिज़्ज़ा बेस को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और बीच बीच में हम अपनी फिलिंग को भी चलाते रहेंगे जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए हम पिज़्ज़ा बेस को क्रिस्पी कर लेंगे। आप इसे ओटीजी में रोस्ट भी कर सकते हो। ये अच्छे से रोस्ट हो गया तो अब हम एक सीजर से इसे स्क्वायर्स में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अभी हमारा तवा गरम है तो मैं उसी पर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये एक पिज़्ज़ा बेस को हमने पीसेस में कट कर लिया है और इसे तवे पर ही हम ठंडा कर लेंगे। अब ये हमारी स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई। इसे एक बार मिक्स करेंगे और हम अपने कुल्हड़ लेंगे और उसमें सबसे पहले नीचे थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और उसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें हम अपना जो पिज़्ज़ा बेस को क्रिस्पी रोस्ट किया था हमने उसे मिक्स करके हाफ कुल्हड़ तक इन्हें फिल कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा इन्हें प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। और मेरे पास ये तंदूरी चिकन के पीसीज हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप वेज पिज़्ज़ा बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम फिर से अपनी स्टफिंग डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये पूरी तरह से फिल हो जाए। अब हम इसके ऊपर फिर से चीज़ ऐड करेंगे और इसको ऊपर से ऑलिव्स और एलपिनोस से हम डेकोरेट कर देंगे। आप अगर चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से कॉर्न्स भी और पनीर भी लगा सकते हो। अब हम इसे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे कि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे
और ये हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू।